देखिए, बहुत सारी जगह पे कास्बे हैं, इस पे क्वेश्चन की बात है। और कास्बे जो हैं, और इसको जो है सरकारों के ध्यान में अगर लाया जाता है कि देखिए हमारी सरकार, मेरे लिए, मैं इस जगह के ऊपर ये सारे लोग गवाह हैं, यहाँ का पिंड के सरपंच पंच सारे लोग खड़े हैं, जो पिंड के यहाँ इलाके के बहुत बार लोग हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आके मैं ट्यूबवेल के पानी का उद्घाटन करके गया था, लेकिन इलाके के किसी आदमी ने ऐसी डिमांड नहीं की। मेरे से ट्यूबवेल की डिमांड थी, मान जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार में इन्होंने ट्यूबवेल, मैं ट्यूबवेल लगा के गया, और तकरीबन यही जगह होगी, यही जगह थी, लेकिन किसी ने उस वक्त ये डिमांड नहीं की। अगर डिमांड की होती मेरी सरकार में, तो मैं उसके लिए कोशिश एफर्ट्स करता कि उसको कराया जाए, लेकिन बहुत जगह कास्बे हैं, क्योंकि ये इलाका जो ऐसा है। लेकिन इन फ्यूचर जो है, सरकार इसके ऊपर जरूर ध्यान देगी। और जो यहाँ आज वाकया हुआ, इसमें मैं कह सकता हूँ जहाँ जो लोग गवाह हैं इस बात के, उन्होंने उसको रोका कि पानी अलाउ नहीं कर रहा बीच में जाने के लिए। ये गाड़ी के आप हालात देख सकते हैं, इस गाड़ी के आप हालात देखिए, वो ज्यादा डिस्टेंस कितनी दूर आई है वहां से, देखिए आप, तकरीबन 200-250 मीटर आई है वहां से। तो इसका मतलब पानी जो कह रहे हैं 6 से 7 फुट से ज्यादा था, तो कोई आदमी हिम्मत नहीं करता। नो डाउट है, ऐसे एरिया को हम अब उसको नॉमिनेट करके उसके लिए क्या बेस्ट हो सकता, करने की कोशिश करेंगे। जी, हिमाचल यहाँ पे बल्क ड्रग पार्क बना रहा है, जी जो पुराना जो एक व्यापारिक केंद्र था, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस पे फोकस नहीं किया गया डेवलपमेंट पे जितना होना चाहिए था, जो इसकी हालात है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है, हमारी सरकार के 2.5 साल में हमारे को कोई भी डिमांड, हमने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे इस इलाके के लोगों ने, मैं यहाँ आप खड़े हैं इसी इलाके पे होके गया था, तो ये लोग खुद गवाह हैं, ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई सरकार की। इन हो सकता है फ्यूचर मेरे मेरे ध्यान में ना आई हो, किसी और के आई हो, मैं नहीं कह सकता इस बात से, बट मैं यहाँ होके और ये 2-3 घंटे यहाँ रह के गया इनके पास में, मेरी बात समझो। और मेरे ख्याल है अपना आश्रय खन्ना जी तब आए थे, नहीं बाद में आए, बाद में आए। सो मेरे लिहाज से आज तक यहाँ पे ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई, और मैं तो वो आपके जरिए लोगों को, देखिए हमें इस टाइम पे आप देख रहे हैं, रोज हम देखते हैं न्यूज चैनल पे, डेली देखते हैं पे जो हालात बने हुए हैं देश में फ्लड के और हर एक चीज के, तो हमें इन चीज में खुद भी अवेयर रहना पड़ेगा। अगर ऐसे हालात हैं तो हमें सुसाइड के लिए आगे नहीं बढ़ना, हमने कितने 12-11 आदमियों की जान चली गई, तो बड़ी हैरानगीजनक बात है। लेकिन सरकार इसके लिए आज तस्वीर, सर क्या रिलीफ कोई अनाउंस हो पंजाब सरकार की मैं तरफ से? पंजाब सरकार की तरफ से इन सारे परिवारों को, जी मैं अभी सीएम साहब के आदेश के मुताबिक, इधर देखिए, जी इनको जो एक मानवीय सहायता के रूप में, जी देखिए जो कंपनसेशन जो होती है जी उसको जी हम कंपनसेशन नहीं, मानवीय सहायता के रूप में डेफिनेटली है, इस सारे परिवारों को जल्द ही किया जाएगा। और मैं अभी सीएम साहब से बात करने के निर्देश लेके, मैं अभी आपको, अगर आप थोड़ी वेट करेंगे तो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ 2 मिनट के अंदर, तो डेफिनेटली मेरी, अगर आपने वेट कर ली है तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल डॉट